हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा, खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये पनीर की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सी सब्जी, जो कि आप कभी भी घर में बना करके खा सकते हैं, क्योंकि ये घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनी है और बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपके घर पर झटपट से मेहमान आ जाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आइए शुरू करते हैं पनीर दो प्याज़ा बनाना। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ले लिया है, तो इसको मैं बड़े टुकड़ों में काट लूंगी। आपको जिस साइज के पसंद हो उस साइज के टुकड़े कट करें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह के पीसेस कट कर लिए हैं, इनको एक बाउल में डाल लेंगे। अब हम इन पनीर के पीसेस को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। इससे जो पनीर का टेस्ट है वो बिल्कुल फीका नहीं लगेगा आपको। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। लास्ट में ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच दही। बिल्कुल गाढ़ा दही होगा तो बहुत ही बढ़िया है, और इससे मसाले भी अच्छे से कोट कर पाएंगे इस पनीर को। इनको हम मसाले और पनीर के साथ अच्छे से टॉस कर लेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे ताकि पनीर के जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं। इस पर मैं 1/2 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो कसूरी मेथी के कारण पनीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको हम 1/2 घंटे के लिए साइड पर रख देंगे और उसके बाद हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो 1/2 घंटे बाद ये पनीर मैरिनेट हो चुका है और मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका टेस्ट ना बदले, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो अब हम सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2-3 टेबलस्पून, और इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा हम इसमें पनीर डाल देंगे, एक एक करके डाल देंगे इसको। हम इसे पलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है। तो आप चाहें तो ऑयल की अमाउंट थोड़ी कम ले सकते हैं, बट मैं सेम ऑयल में ही सब्जी कुक करूंगी, क्योंकि इसमें मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। ये देखिए, पनीर पर गोल्डन कलर आने लगा है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें पनीर को। तो हम इसे निकाल लेंगे। मैं सेम बर्तन में निकाल रही हूँ जिसमें कि मसालों का बहुत फ्लेवर है। इस तरह से पनीर का कच्चा फ्लेवर भी चला जाता है और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो गैस का फ्लेम कम कर देंगे। अब इस ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्लेवर है मसालों का, तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1 तेज़पत्ता लेकर के इसको तोड़ करके डाल दूंगी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची जिनको कि मैंने हल्का सा कूट लिया है, और 1/2 मोटी इलायची, और थोड़ा सा यहाँ पर जावित्री का टुकड़ा है। आपके पास जो भी गर्म मसाले हो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर खड़े गर्म मसाले ऐड कर लेंगे, जो हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही मसाले भून जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, और इसी में हम 1 बड़ा प्याज, मैंने कद्दूकस करके लिया है, इसको डाल देंगे। मैंने यहाँ पर प्याज को पीसा नहीं है, ग्रेटर से ग्रेट किया है। इससे मसाले बहुत ही बढ़िया भूनते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा सब्जी में। तो इसको हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम बढ़ा दिया है मैंने। साथ ही साथ हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर ली है 1/2 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी या देगे मिर्च से कलर बहुत बढ़िया आता है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच नमक, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम भी नमक ऐड किया था, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, और इनको भी हम भून लेंगे अच्छे से प्याज के साथ। मसाले भून चुके हैं और प्याज ने तेल छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं और इनको भी डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें पीस कर ही डाल सकते हैं, बट उससे मसाला उतना बढ़िया नहीं भूनता। इनको भी हम अच्छे से घी छोड़ने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको ढक देंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो इसे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। मसाला भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 3/4 कप के करीब पानी, और इसको कर देंगे एक बार मिक्स। साथ ही हम इसमें ये फ्राइड पनीर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे एक बार अच्छे से। और इसको और भी बढ़िया फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या मलाई ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर घर की जो ताज़ी मलाई होती है वो ऐड कर रही हूँ।
इसको एक बार मिक्स कर देंगे और इसको ढक करके कुक करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारे फ्लेवर्स जो ग्रेवी के हैं वो भी पनीर में आ जाएं और ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। तो इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखिए, इसे 5 मिनट हो चुके हैं। सब्जी पर कितना बढ़िया कलर आया है। इसको हल्का सा स्टर करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से चौकोर टुकड़ों में कटे हुए प्याज, जो कि मैंने ऑलरेडी काट लिए हैं। ये पनीर दो प्याजा है, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। और दूसरा है, इससे एक अलग सा क्रंच और अलग सा टेस्ट आता है सब्जी में। इसको हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसे इस पनीर की सब्जी के साथ कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसको काट करके इसमें डाला है। तो अब हम इसे ढक देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इसे 2 मिनट हो गए हैं, हम खोल करके चेक कर लेंगे। वाओ, तो ये देखिए सब्जी पर कितना अच्छा कलर आया है और सब्जी बहुत ही बढ़िया बन करके रेडी हुई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लगभग 2 बड़े चम्मच, और इसको कर देंगे मिक्स। आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी है, ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आया है। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। प्याज भी अभी बिल्कुल क्रंची है, आप देख सकते हैं अनियन का टेक्सचर, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकना है और उसके बाद गैस बंद कर दूंगी मैं। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए पनीर दो प्याजा रेडी है। आप देख सकते हैं कि सब्जी का टेक्सचर और कलर कितना बढ़िया है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है आजकल रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर उनको इस तरह से चॉप कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच या फिर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है टमाटर, 4 टमाटर है मीडियम साइज के, इनको मोटा मोटा चॉप कर लिया है मैंने। 8 से 10 काजू है, 2 टेबलस्पून बटर है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 चम्मच, 1 1/4 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी यूज की है तो हम लाल मिर्च पाउडर कम डालेंगे। हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी, 1 छोटा चम्मच चीनी, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, फ्रेश क्रीम या मलाई, यहाँ पर मैंने मलाई ली है, 4 बड़े चम्मच, आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं अमूल की, जो लो फैट मिलती है। पनीर लिया है मैंने 300 ग्राम और इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है इसको। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। तो आइए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज को फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम फ्राइड अनियन का पेस्ट यूज करेंगे, सिंपल अनियंस नहीं डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालेंगे हम ऑयल, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। लास्ट में लिए हैं खड़े मसाले, 1 सूखी लाल मिर्च तड़के के लिए, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री है, 2-3 लौंग है और 3 से 4 छोटी इलायची है। और अगर आपके पास ये खड़े मसाले ना हो तो टोटली अवॉइड कर दें और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर यूज करें। तो तेल को अच्छे से गरम कर लिया है हमने। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, जो कि मैंने चॉप किए हुए हैं इस तरह से, और हम इनको तेज आंच पर 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। गोल्डन करना है हमें इन्हें। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएंगे, बट हम यहाँ इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए प्याज सुनहरी होने लगे हैं, अगर हम इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे और टेस्ट भी बदल जाएगा, तो इसलिए हम इन्हें निकाल लेंगे। मैं गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं इन्हें मिक्सी के कप में शिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं इन्हें साइड पर रख दूंगी ठंडा होने के लिए और उसके बाद मैं इन्हें पीसूंगी। इसमें लगभग 3 to 4 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी इसका पेस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर सेम ऑयल में मैं बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी, अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, मैंने यहाँ पर अदरक को कद्दूकस कर लिया है, और इसको भून लेंगे हम। जैसे ही भून जाएगा इसी के साथ में डालूंगी मैं खड़े मसाले, क्योंकि अगर हम खड़े मसाले पहले डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, हमें खड़े मसालों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए। इलायची, जावित्री और लौंग भी डाल दूंगी और इनको भून लूंगी। ये देखिए लहसुन भून चुका है अच्छे तरीके से, साथ ही मैं काजू भी डाल दूंगी, इसको भी भून लेंगे। भुने हुए काजू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे ही काजू भी हल्का सा भून जाएगा
इसमें डाल देंगे ये टमाटर चॉप किए हुए। टमाटर डालने के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। हरी मिर्च डाल दूंगी और इसको इसी तरह से हम सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे, पका लेंगे। अभी हमने इसमें बटर नहीं डाला, बटर हम बाद में ऐड करेंगे। नमक के कारण 3-4 मिनट में टमाटर जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगे। यहाँ प्याज ठंडा हो चुका है, हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसे इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर इन्हें एक बाउल में निकाल लूँगी, गैस का फ्लेम लो कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो मैं इसमें से खड़े मसाले निकाल दूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी जो टमाटर और काजू हैं। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे इसी पैन में। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तो इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसी के साथ मैं इसमें हाफ जो हमने बटर लिया था उसमें से आधा बटर डाल दूंगी। इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए और साथ ही कलर भी अच्छा आए। देखिए मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट जो कि हमने बनाया है इसको डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो इसी जार में मैं टमाटर का पेस्ट बना लूंगी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी पहले। इसको भून लेंगे हम अच्छे से। प्याज के पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है, तो हमें इसी तरह का चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर का पेस्ट रेडी है, तो अब हम इसमें ये डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम लो है इस समय पर, तो जार में थोड़ा सा पानी डाल करके सारा मसाला निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, क्योंकि अभी हमें मसाला भूनना है तो ये अच्छे से भून जाएंगे, नमक, और इनको मिक्स कर देंगे। और अब हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मसाले में हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो हमें इसे इसी स्टेज तक भूनना है। जैसे ही ये घी छोड़ने लगेगा हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। हम इसमें डाल देंगे चीनी, फ्रेश क्रीम या मलाई, आप जो भी ले रहे हैं, इसको मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसको कर देंगे मिक्स, क्योंकि इस ग्रेवी में काजू है तो ये नीचे से लगने लगती है, इसलिए पानी डाल करके हम इसे कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी एक गाढ़ी है तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे, लगभग 1/2 कप पानी डाल देंगे। तो मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की साइड्स में ये देखिए इस तरह से ऑयल दिखने लगा है, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बार और हिला देंगे। बीच बीच में इसे चलाना जरूरी है और ग्रेवी का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। देखिए कितना बढ़िया कलर है ग्रेवी का। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने पनीर लिया है। पनीर डालने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट है और हम नहीं चाहते कि पनीर जो है वो ग्रेवी में मेल्ट हो जाए। इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और साथ ही बढ़िया फ्लेवर के लिए तो यहाँ पर मैं बटर ऐड कर दूंगी और इसको ढक कर के एक बॉयल लगा लेंगे। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गया है। देखिए पनीर बटर मसाला की ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया और यमी दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो हम गैस बंद कर देंगे और इस पर डाल देंगे हरा धनिया, इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितना क्रीमी और बढ़िया इसकी ग्रेवी है और कितना बढ़िया कलर आया है इस पर। तो ये देखिए पनीर बटर मसाला रेडी है, तो मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इसको गार्निश कर दूंगी। तो ये देखिए मलाई पनीर के साथ पनीर बटर मसाला, और आप पनीर देख सकते हैं, ये देखिए कितना नरम पनीर है, कितना सॉफ्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है पनीर बटर मसाला की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।